आज मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी चीटिंग की है। क्या? बख्शो चाचा की चाय में नींद की गोली डाल दी मैंने। अब जब तक बहन आएगी ना तब तक लंबी तान के सोए पड़े। ऐसा ही होना चाहिए तो उनके साथ तो। लेकिन अब मैं हर रोज नहीं कर सकती ये साइड क्लासेस, नहीं मिस कर सकती, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे टेस्ट के स्कोर बहुत इफेक्ट हो रहे हैं यार। मेरे बारे में कम सोचा करो, ठीक हो जाएगा। चलो तय हो गया, मैं आज से तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच। फिर किसको सोचोगी? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें कोई है ही नहीं, नहीं है ना कोई है? हाँ? I don't know. क्या मतलब I don't know? हैं? जू? सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हो गया आज तुम्हें? पता नहीं क्या हो गया, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती और आज मैं बेवक्ती सो गया। आज तो तुमने हद ही कर दी, आधा दिन चढ़ गया है ना। तुम बाजार गए हो ना सब्जी लाए हो, आखिर खाना कब बनेगा? क्या भांग वांग तो नहीं पी ली तुमने? पता नहीं नींद दिमाग को चढ़ गई, आज मैंने चाय पी थी। चाय से तो बंदा तरोताजा होता है, कोई नशा तो नहीं होता चाय से? नशा? चाय? अच्छा जाओ जाओ किचन में जाओ और जाके नाश्ता करो और फिर जल्दी से बाजार जाके सब्जी लाओ ताकि खाना तो बने। अच्छा बीबी, कमाल है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा मैंने आपसे बात कर ली। जी चाचा, क्या बात है? छोटी बीबी के बारे में। रूबी के बारे में? जी जी बोले बेटा। वो एक मिनट में ज़रा फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम। करीम, मैं ज़ुबिया का भाई दानियल बात कर। करीम, मुझे पता चला है कि तुम ज़ुबिया को मॉर्निंग में जो अकेला छोड़कर चले जाते। नहीं सर, वो मैं तो उनको छोड़कर नहीं जाता, वो मुझे खुद ही मना कर देती हैं ज़ुबिया मैडम। क्या मतलब है कि खुद ही मना कर देती? वो कहती है मैं अभी तैयार नहीं हुई, पापा के साथ चली जाऊँगी, आप मुझे वापसी पे ले लेना। तो मैं हमेशा उनको वापसी पे लेता आया हूँ और आज भी वापसी पे ले लूँगा। अच्छा चलो, हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। जी ठीक, थैंक यू सर। अंबू और चाचा तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते, फिर सुबह ये क्यों कहती है? और आज भी? यानी उसने आज भी यही कहा है, जबकि चाचा तो उसका कॉलेज जाने से पहले भी जा चुके। या अल्लाह, ये मेरा वहम है, कुछ भी ऐसा सामने ना आए जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बने।